अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। कुकिंग विद नरगिस में आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कोरमा, वो भी ढाबा स्टाइल। तो इसमें मैंने 1.5 किलो मटन लिया है, इसको अच्छे से वॉश करके रख दिया है। ये 300 ग्राम है दही और ये 250 ग्राम प्याज थी, उसको मैंने फ्राई करके इस तरह से क्रश कर लिया है। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये मसाले हमारे इस तरीके से हैं। ये 1/2 चम्मच है हल्दी, 1 चम्मच है नॉर्मल मिर्च, 1 चम्मच है कश्मीरी मिर्च और ये 2 चम्मच है धनिया और 1 चम्मच है नमक। और मेरे गरम मसाले जो ड्राई हैं वो इस तरीके से हैं, ये 8-10 लौंग हैं, 8-10 ही काली मिर्च हैं, ये 6 हैं हरी इलायची, ये 1 चम्मच शाहजीरा है और ये 1 स्पून भर के ये जावित्री जायफल मैंने इनको इस तरह से क्रश कर दिया है। 1 ये बादियान का फूल है और 1 ये छोटे सी पीपली का पीस है और 3 ये तेजपात हैं। तो बस आपको दिखाते हैं गैस चढ़ा। देखिए करीब मैंने ये 150 से 200 ml ऑयल डाला है सरसों का और ये अच्छे से गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके हम सारे अपने गरम मसाले डालते हैं इसमें। गैस को थोड़ा सा कम करते हैं, अब मसाले हमारे कड़कने लगे हैं अच्छे से, तो हम अपने इसमें मटन को डाल देते हैं। मटन को डाल दिया है, अब कलर चेंज होने तक मटन को भून। देखिए जी हमारा मटन अच्छे से भून गया है, बिल्कुल कलर चेंज हो गया, देखिए एकदम से इसका कलर चेंज हो गया। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें, ये 2 स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसको भी डाल के इसका कच्चापन दूर होने तक अच्छे से इसको भून। देखिए लहसुन अदरक डल के भी अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम दही डालते हैं अपनी, ये हमने 300 ग्राम दही ली थी, हमारा 1.5 किलो गोश्त था तो हमने ये 300 ग्राम दही ली, अच्छे से इसको फेंट दिया था, इसको अच्छे से इसको फेंट दिया। अब दही डाल के भूनते हैं अच्छे से इसको, जब तक एक बॉयल ना आ जाए जब तक। देखिए दही का पानी अच्छे से, देखिए बॉयल आ गया दही के पानी में। अब इसमें हम अपने सारे मसाले डाले दे रहे हैं और जो हमारी प्याज थी इसमें हम आधी प्याज अभी डाले दे रहे हैं और आधी भूनने के बाद डालेंगे। उसको भूनते हैं अच्छे से बस। देखिए मटन हमारा अच्छे से भुन गया है, ये ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम 2 सीटी लगाते हैं, फुल पे और 1 सिम पे, क्योंकि इसमें बकरे में ज़्यादा तो सीटी लगती नहीं है, तो इसको बस अब दिखाते हैं। देखिए गोश्त हमारा अच्छे से भुन गया है और आधी प्याज पहले डाली थी और आधी प्याज हम बाद में डाल रहे हैं, हमने पूरी प्याज इसमें अब डाल दी है। उस प्याज को डाल के हमने ये 2 सीटी लगा के निकाल खोल लिया था ढक्कन इसका, तो 2 प्याज अब बीच में डाले दे रहे हैं और एक बार फिर इसको डाल के थोड़ी देर के लिए भूनते हैं। फिर इसमें इतना शोरबा रखना होगा वो रखेंगे और इसमें 2 सीटी और लगाते हैं और फिर दिखाते हैं। देखिए हमारा मटन अच्छे से भुन गया है लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा है एकदम से, इसमें बस थोड़ा सा पानी डालते हैं इसमें हल्का सा, कि जो प्याज पड़ी है थोड़ा सा उसको पड़ने के बाद भी थोड़ा पकेगा। तो वैसे तो कोरमे का गाढ़ा मसाला होता है तो उसी हिसाब से हमने इसका मसाला
अपना गाढ़ा रखा है। अब इसमें डाल रहे हैं ये केवड़ा वाटर है, बस इसको डाल के थोड़ी देर के लिए इसको बनाते हैं और फिर दिखाते हैं, सर्व करते हैं। जी हम सर्व कर रहे हैं अपना मटन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमारा कोरमा बन के तैयार हो गया है और इसको हम खाने वाले हैं नान से। आपकी मर्जी, आप चपाती से, रुमाली रोटी से, आप जैसे भी खाना चाहें आप वैसे खा सकते हैं। तो आप मेरे तरीके से बनाइएगा, इसी तरीके से बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।